पश्चिम नागपुर विधानसभा का मैं कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूँ। मुझे लगता है कि प्रचार के आखिरी दिन बचे हुए हैं, शनिवार को प्रचार बंद हो जाएगा। मेरा पूरा प्रचार लगभग कंप्लीट हो चुका है और मुझे जनता की तरफ से काफ़ी उम्मीद है कि मैं इस चुनाव में विजयी होने जा रहा हूँ। जनप्रतिनिधि के खिलाफ जनता का रोष क्या होता है, यह पहली बार मुझे देखने में मिला। और किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, अगर जनता से दूर जाता है तो जनता उसे किस तरीके से चुनाव में ट्रीट करती है, यह सबक लेने का चुनाव ये मेरे लिए था। इस चुनाव ने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया कि जो जनता नेता बनाती है वो जनता के काम नहीं किए तो जनता का रोष कैसी रहता है, यह पश्चिम नागपुर के चुनाव में मुझे देखने मिला। जनता का कहना है कि 10 साल में हमारे इस क्षेत्र के लिए ऐसा कोई भी बड़ा उल्लेखनीय काम नहीं हुआ जिससे जनहित की मदद हो, जनता को जिसकी मदद हो ऐसी कोई काम नहीं हुआ। और जो महंगाई बढ़ी, टैक्सेस बढ़ी, इसके खिलाफ भी कहीं कोई चिल्लाया नहीं जनप्रतिनिधि। अच्छे दिन का वादा किया था, हमारे अच्छे दिन आए नहीं, यह जनता का कहना है। और मुझे लगता है कि आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि जनता का रुख क्या है। जनप्रतिनिधि जो है वो जनहित के प्रश्नों को लेकर संघर्ष करने वाला, जनहित के प्रश्नों को लेकर रास्ते पर उतरने वाला हो ताकि जनता सुखी रहे। आज आप देखते होंगे कि आम आदमी का जीना हराम हो गया है, उसका आर्थिक बजट बिगड़ गया है और ऐसी स्थिति में महंगाई, उसके ऊपर अब पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़े, बाद में घर का टैक्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, मतदारों के लिए पश्चिम नागपुर के अच्छी शिक्षण की व्यवस्था नहीं है, कोई अच्छी स्कूलें हमने नहीं बना के दी है, कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं बना के दिए है, तो आम आदमी का बजट बिगड़ाने का काम ये 10 साल में हुआ है। आज की ज़िंदगी में अगर कोई मंथली पगार भी कमाता हो गया, व्यवसाय भी, तो वो कुछ पैसा जमा कर नहीं पाता। ऐसे समय हमारे जनप्रतिनिधि की भूमिका क्या होना चाहिए? हमारा जनप्रतिनिधि चाहे अपनी भी सरकार हो, जनता को राहत दिलाने के लिए सड़क पर उतर कर संघर्ष करना चाहिए। और 10 साल में ऐसी कहीं कोशिश भी नहीं हुई है कि जनता के इन हितों के लिए कोई संघर्ष किया जाए। और मैं तो जनता को मालूम है, पिछले 5 साल से लगातार पिछला चुनाव हारने के बाद भी जनता में हूँ, जनता के प्रश्नों को लेकर खड़ा होता हूँ, रास्ते पर उतरता हूँ, आंदोलन करता हूँ, तो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। मुझे ऐसी लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी भी पार्टी का हो, उसने जनता के इस हित की तरफ ख्याल रखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है।